मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको एक शेयर करना चाहता हूं। वहां पर लगभग एक घंटे डेढ़ घंटे की सिटिंग होती है, पलथी मार के बैठे हुए हैं और शरीर को नहीं हिलाना। मैं आपको थोड़ा डेमो करके दिखाता हूं। हमारा शरीर बिल्कुल सीधा है, पलथी मारे हुए हैं, हाथ हम ऐसे बांधे हुए हैं, हमें बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं करना होता है। अब आप कल्पना करिए कि किसी व्यक्ति को एक डेढ़ घंटे अगर बिना मूवमेंट के बैठा दिया जाए तो उसकी हालत क्या होगी। पेन होगा, बहुत पेन होगा। अनित्यता का बोध मुझे इस कदर हुआ कि पेन पहले बहुत धीरे धीरे बढ़ा। धीरे धीरे बढ़ना इसका मतलब ये एकदम टेम्परेरी रूप है इसका, और एक क्लाइमेक्स पर पहुंचने के बाद हम ऐसे ही बैठे रहे लेकिन दर्द वो कम होता चला गया। अगर पलथी मारने की वजह से दर्द होता तो दर्द निरंतर बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। हम एक ही पोस्चर में बैठे रहे, इसके बावजूद दर्द घटता चला गया। क्यों? ये जब आपने महसूस किया तो आपके अंतर मन तक ये बात बैठ गई कि ये दर्द अनित्य है, ये दर्द क्षणभंगुर है। दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज टेम्परेरी। और अनित्यता की ये अनुभूति बहुत दूर तक आपको ले जाएगी कि जितनी आपकी सुखद संवेदनाएं हैं ये सभी अनित्य हैं। ये जितना आपने धन अर्जन कर लिया और इससे जो सुख आप महसूस कर रहे हैं और क्लिंग हो गई, चिपकाव हो गया, इसका इसकी अनित्यता की अनुभूति आपको 100 भाषणों से नहीं हो पाएगी, 100 किताब पढ़ने से नहीं हो पाएगी, उस एक शिविर में बैठने से हो जाएगी। एक मैंने अभी आपको दर्द वाली बात बताई। इसी प्रकार से वहां सैकड़ों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा उनको कि किस प्रकार से। तो अनित्यता, अब क्या आगे बढ़िए, अनात्म बोध कैसे होता है? किताबों में बहुत पढ़ा हमने, बुद्ध साहित्य में दुख है, अनित्य है, अनात्म है। अब अनात्म बोध कैसे होगा? आप इस प्रक्रिया में चल रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वैसे तो सामान्य तौर पर मैं हूं, मेरा है, मैं हूं और मेरा है, यही तो भाव हर समय रहता है। लेकिन जब हम विपश्यना करते हैं तो होता क्या है, हम ये चाहते हैं कि हम यहां 10 दिन का विपश्यना करने आए हैं, अपने घर परिवार को छोड़ करके आए हैं, सरकारी नौकरी से छुट्टी बड़े मुश्किल में लेकर के आए हैं, बिजनेस से छुट्टी बड़े मुश्किल से लेकर के आए हैं, तो मन को एकाग्रचित्त कर लें। लेकिन मेरा मन मेरे अनुरूप एकाग्रचित्त नहीं होता है, अर्थात इसमें मेरा पूरा मेरा कुछ नहीं है। अब ये अनुभूति आपको एक पहली बार बहुत गहराई से अगर हुई कि इसमें मेरापन, जो मैं कर रहा हूं, इस पूरा नियंत्रण हमारा इस पे है नहीं, इससे धीरे धीरे आप अनात्मता की ओर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक शिविर आपने विपश्यना का कर लिया तो आप पूरी तरह से दुख अनित्य और अनात्म और चार आर सत्य सब कुछ जान गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक जो जड़ता थी आपकी, एक जो मन संग्रहित मनोविकार थे स्थिरता के, स्टेबिलिटी के, वो टूटना शुरू हुए। जैसे एक बहुत शीशा है, उसमें एक हमने एक छोटा सा कंकड़ मारा, वो शीशा बहुत मजबूत है, वो टूटा नहीं, लेकिन हल्का सा उसमें खरोच आ गई। वही प्रक्रिया होती है, एक आई खरोच, हमारा जो संग्रहित मन में चीजें थी
चल रही थी लगातार, उसमें एक टूटन आई। अब होता क्या है, एक चीज और आपको अनुभव हुई जब आप विपश्यना कर रहे हैं, ठोस दिखने वाली काया केवल पंच स्कंधों का समुच्चय है जो अपने स्वभाव से क्षण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। ये चीज आपको वहां महसूस होगी। ये कैसे होगी, ये मैं अपने अनुभव से भी बता रहा हूं। जब आप विपश्यना करेंगे तो देखेंगे विपश्यना कहां से शुरुआत कराते हैं। अब मैं फिर से वहां के सेंटर की प्रोसेस पर आता हूं। चौथे दिन लगभग 2 बजे के आसपास विपश्यना मिलती है, तो ध्यान उस समय की स्थिति ये होती है, कितना गहन आनापान हम कर चुके होते हैं कि लगभग लोगों की लगभग 90% के आसपास ध्यान एकत्रित होने लगता है, एकाग्रचित होने लगता है। तो सबसे पहले निर्देश होता है कि पूरा आप ध्यान यहां पर ले जाइए। हम जानते हैं कि बॉडी का सबसे ये सेंसिटिव पार्ट होता है। जितनी भी ध्यान साधना पद्धतियां हैं उन सभी ध्यान साधना पद्धतियों में इस स्थान का उपयोग किया जाता है। आप किसी बच्चे को देखेंगे तो उसका जो तालु होता है ये उसके शरीर का सबसे सबसे मुलायम हिस्सा होता है। ये बॉडी का सबसे मुलायम हिस्सा होता है और हमारे मस्तिष्क के नज़दीक होता है, तो यहाँ पर संवेदनाओं को महसूस करना सबसे आसान होता है। मैंने अपना जो शिविर था वो मैक्लोडगंज धर्मशाला मत हिमाचल प्रदेश में किया। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपको कि 3.5 दिन के बाद जब मुझे विपश्यना मिली, तो जब मैंने यहाँ पर अपना ध्यान एकाग्रचित किया तो अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा ये शरीर पूरा मेरा आधा वजन रह गया। मुझे तो एक बार लगा ये हो क्या रहा है, लेकिन आंख बंद करने का निर्देश रहता है, आप जब साधना करते हैं तो आंख बंद रखते हैं। मुझे लगा ये हो क्या रहा है, लेकिन पूरे बुद्धिज्म में चमत्कार और अंधविश्वास का निषेध किया गया। ये तर्क और प्रमाण पर आधारित धर्म है। सत्यनारायण गोयनका जी जगह जगह बुद्धवाणी को कोट करते रहते हैं, जगह जगह कोट करते रहते हैं बारंबार कि अंधविश्वास में मत फंस जाना, चमत्कार में मत फंस जाना। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि यहां पर जो मुझे अनुभूति हुई केवल इतनी ही अनुभूति करा करके आप किसी व्यक्ति को ये बता सकते हैं आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई और उससे 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 ऐंठ सकते हैं। जो रुपए धन लूटने की प्रक्रिया हमारे देश में चली दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, वो ऐसे ही चली, क्योंकि कोई भी ध्यान पद्धति आप करेंगे तो उससे आपको विलक्षण अनुभूतियां होंगी। विपश्यना ध्यान पद्धति से भी आपको विलक्षण अनुभूतियां होती हैं, तो उन विलक्षण अनुभूतियों से उन्हीं तक अगर आप रुक गए तो आप फिर ना अनित्य समझ पाएंगे, ना दुख समझ पाएंगे, और ना ही जो है 4 आर्य सत्य समझ पाएंगे। तो आचार्य गोयनका जी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहां पर देते हैं, तो वो तुरंत बताते हैं कि आप इस ये जो आपको अनुभूतियां हो रही हैं ये आपके शरीर की बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये हर समय बायोकेमिकल प्रोसेस हर व्यक्ति के शरीर में होती रहती है, आप कोई विशेष यूनिक नहीं है जो आप ही के शरीर में। जो व्यक्ति ध्यान साधना करेगा वो प्रथम चरण में ही उसको ये अनुभूति प्राप्त हो जाएगी, विपश्यना के पहले ही अनुभूति ये प्राप्त हो जाएगी, आनापान में ही, विपश्यना के प्रथम चरण में ही प्राप्त हो जाएगी। तो विपश्यना अब इतना ध्यान एकत्रित हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है कि इसके बाद
फिर यहां से धीरे 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 मन को लाना होता है, धीरे धीरे बॉडी के एक एक अंग को ऑब्जर्व करना होता है माइन्यूटली, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, फिर नाक आंख कान, इनको महसूस कि इनमें हो क्या रहा है, क्या संवेदनाएं हो रही हैं, धड़कन हो रही है, फड़कन हो रही है, ये महसूस होता है। हाथ, इसके बाद ये हाथ, इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद पीठ, इसके बाद नीचे से होते हुए, फिर इसके बाद राइट हैंड पैर, फिर लेफ्ट पैर नीचे तक, और इसी प्रकार से पैर से ऊपर, ऊपर से फिर पीठ, पीठ ने पीठ के बाद जो है ये इधर का हिस्सा, इसके बाद जो है हाथ, फिर ये हाथ को, इसके बाद धीरे 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 ऊपर तक बढ़ते हुए नाक मुंह कान आँख करते हुए ऊपर तक जितनी भी शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं उनको महसूस करना है, उनकी अनित्यता को, उनकी अनित्यता की अनुभूति करना है। इस प्रक्रिया से वहां हम गुजरते हैं। जब अनित्यता, और निश्चित रूप से 8 दिन 9 दिन विपस्सना करते 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 किसी को कम किसी को ज्यादा तरह तरह की अनुभूतियां होती हैं, तरह तरह की अनुभूतियां होती हैं, और पूरी शरीर का पता चलता है कि वास्तव में बॉडी में किस तरह से अनुभूतियां हो रही हैं। सामान्य रूप से आप उन अनुभूतियों को महसूस नहीं कर सकते हैं, आप उन अनुभूतियों को तभी महसूस कर सकते हैं जब आप विपस्सना साधना से गुजर रहे हैं।